ग्रीस आकर आप सभी से मिलकर मुझे बहुत खुशी होती है। आया तो मैं कल से हूं, लेकिन आज की इवनिंग का इंतजार कर रहा था कि आप लोगों से कब मुलाकात हो। विदेश में भी अपने देशवासियों के बीच आकर ऐसा लगता है कि हम किसी विदेश में नहीं है, बल्कि अपने ही देश में कुछ लोगों को संबोधित कर रहे हैं। इस अपनत्व की एक खास अहमियत होती है। नॉर्मली जो मेरा इटिनरी होता है बाहर के विजिट्स का, मैं कोशिश करता हूं कि हमारे जो भारतीय समुदाय के लोग हैं उनसे जिस धरती पर हम जा रहे हैं, उस धरती के रहने वाले मूल निवासियों से पहले जो हमारे भारतीय हैं उनसे एक बार नमस्कार हो जाए। और इसके लिए मैं अम्बेसडर महोदया का शुक्रगुजार भी करता हूं कि उन्होंने इस प्रकार की व्यवस्था की कि आप सबसे पहले नमस्कार हो रही है। बाकी जो डेलीगेशन लेवल टॉक है राष्ट्रपति जी के साथ, प्रधानमंत्री जी के साथ, लीडर ऑफ अपोजिशन के साथ, और जो सरकारी प्रोग्राम है वो कल से प्रारंभ हो गया। मेरे आगमन पर आपकी गर्मजोशी और प्यार के लिए मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूँ। लगभग 11 वर्षों के बाद भारत के राष्ट्रपति द्वारा ग्रीस की यात्रा हो रही है। मुझे विश्वास है कि इस यात्रा से भारत और ग्रीस के रिश्ते और भी मजबूत होंगे। मुझे बताया गया है कि आज के इस समारोह में विभिन्न क्षेत्रों में योगदान देने वाले प्रोफेशनल्स हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, रिसर्चर्स हैं और विद्यार्थी हैं। आप सब में से कुछ लोग बहुत पहले इस देश में आ गए थे और कुछ लोग हाल ही में आए। हम सबको एक सूत्र, एक साथ बांधने वाला सूत्र है भारत की हमारी साझा विरासत। हम भारतीय लोग चाहे दुनिया के किसी भी हिस्से में हों, हमारी परंपराएं हमें एक दूसरे के साथ और मातृभूमि से जोड़ करके रखती हैं। ग्रीस और भारत ने प्राचीन विश्व में सभ्यता और संस्कृति के आदर्श प्रस्तुत। दोनों देशों के संबंध बहुत पुराने और गहरे रहे हैं। ग्रीक इतिहासकार मेगस्त नीस ने अपनी पुस्तक इंडिका के द्वारा पूरे विश्व को भारत का परिचय दिया। ग्रीक सेनापति सेलुकस की बेटी का सम्राट चंद्रगुप्त के साथ विवाह हुआ था और सम्राट चंद्रगुप्त की जो राजधानी थी मगध थी, मगध साम्राज्य, और वो साम्राज्य पूरे भारतवर्ष का साम्राज्य था। और इसलिए मेरी प्रेफरेंस में जो बिहार के मगध बिहार में आता है, इसीलिए मैंने नित्यानंद राय जी को आपके साथ अपने साथ ले आया। ग्रीक सेनापति सेलुकस की बेटी का सम्राट चंद्रगुप्त के साथ विवाह हुआ था। हमारे इतिहास की पुस्तकों में भारत और ग्रीस के गहरे संबंधों के बारे में अनेक विवरण मिलते हैं। यही नहीं, ऐतिहासिक ग्रीक और भारतीय चरित्रों के आधार पर बनाए गए अनेक नाटक, फिल्में और टीवी सीरियल्स काफी पॉपुलर हुए हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान ग्रीस में शहीद हुए भारतीय नौजवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए मैं कल एलिमॉस में स्थित उनके मेमोरियल पर जाऊंगा। मुझे बताया गया है कि ग्रीस में अन्य स्थानों पर भी दोनों वर्ल्ड वार में वीर गति को प्राप्त हुए अनेकों भारतीय सेनानियों की यादगारें सुरक्षित हैं। मैं उन सभी के बलिदान को नमन करता हूं। भारत और ग्रीस दोनों देशों में लोकतंत्र के मूल्यों के प्रति गहरा सम्मान है। इन समानताओं के आधार पर ही दोनों देशों
के बीच का संबंध निरंतर मजबूत होता रहा। भारत और ग्रीस के बीच आपसी सहयोग की व्यापक संभावनाएं बढ़ती जा रही हैं। मैं समझता हूं कि भारत में ही हो रही घटनाओं पर आप सभी की नजर रहती है। आप सबको ये जानकर खुशी होगी कि आज भारत विश्व में सबसे तेज गति से बढ़ रही मेजर इकोनॉमी के रूप में उभर रहा है। हम 2025 तक भारत को 5 ट्रिलियन डॉलर वाली इकोनॉमी और विश्व का तीसरा सबसे बड़ा कंज्यूमर मार्केट बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। विश्व बैंक और IMF के अनुसार हमारी ग्रोथ रेट ऊंची रहने वाली है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अनुसार 2017 की मोस्ट ट्रस्टेड गवर्नमेंट्स की सूची में भारत को तीसरा स्थान दिया गया। लेकिन ये जो हमारी हाई रैंकिंग इकोनॉमी फील्ड में जो पहुंच रही है, धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, उसमें जो हमारा इंडियन डायस्पोरा है, उनमें जैसे कि आप सबकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है और आगे भी रहने वाली है। भारत में इकोनॉमी को सरल और ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए इकोनॉमी का डिजिटाइजेशन करने, GST जैसे टैक्स रिफॉर्म लागू करने सहित अनेक आर्थिक सुधार शुरू किए गए हैं। भारत में एक नए तरह का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन देखा जा रहा है। इसलिए नागरिकों के साथ सरकार के कामकाज के तौर तरीकों में परिवर्तन आ रहा है। इस बदलाव के माध्यम से सरकार के सभी विभाग सोशल मीडिया के जरिए आप सबके लिए हमेशा उपलब्ध रहते हैं। प्रिय मेरे भारतीय मित्रों, गरीबी को दूर करना और सभी के जीवन को बेहतर बनाना हमारी सरकार का मिशन है। कारोबार को बढ़ावा देने तथा नौकरियों के अवसर पैदा करने के लिए लागू की गई मुद्रा नामक बिना गारंटी के फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रदान करने की योजना से बड़ी संख्या में लोगों को फायदा होगा। यह उल्लेखनीय है कि इस योजना से महिलाओं को खासकर अधिक लाभ हुआ है। नागरिकों को अफोर्डेबल हेल्थ केयर उपलब्ध करवाने के लिए एक नई स्कीम प्रारंभ हो रही है, आयुष्मान भारत। यह एक महत्वाकांक्षी नेशनल हेल्थ सिक्योरिटी मिशन है। इस योजना द्वारा 10 करोड़ परिवारों यानी 50 करोड़ लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस कवर प्रदान की जाएगी और इस तरह इस योजना की सुरक्षा के दायरे में भारत की लगभग 40% आबादी आ जाएगी। भारत ने रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में अच्छी प्रगति की है। हमारा सन 2022 तक 175 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी की क्षमता स्थापित करने का लक्ष्य है। इसी वर्ष मार्च में दिल्ली में इंटरनेशनल सोलर अलायंस का फाउंडिंग कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया। सोलर अलायंस के माध्यम से ऊर्जा की जरूरतों के सामूहिक समाधान के लिए पूरे विश्व के लोग एकजुट हुए हैं। ये अलायंस सोलर एनर्जी के प्रमोशन के लिए बड़े पैमाने पर दुनिया भर में काम करता है। इससे हमको क्लाइमेट चेंज का मुकाबला करने में मदद मिलेगी। इससे हम अपने जीवन को एक सस्टेनेबल और ग्रीन फ्यूचर के मार्ग पर अग्रसर कर सकते हैं। डेमोक्रेसी, डेमोग्राफिक डिविडेंड और डिमांड के नज़रिए से भारत की विश्व में काफ़ी मजबूत स्थिति है। भारत में 80 करोड़ की, जिसे हम कह सकते हैं कि विश्व की सबसे बड़ी युवा आबादी है। हम भारत के युवाओं को स्किल प्रदान करने के लिए भरपूर कोशिश कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि वे न केवल भारत की जरूरतों को पूरा करें बल्कि हमारे प्रतिभाशाली युवा पूरी दुनिया के स्किल गैप को भर सकें। हमें अपनी प्रवासी भारतीयों और उनकी सफलताओं पर गर्व होता है। आप सबको भी ये जानकर बहुत खुशी होगी कि आज भारत में व्यापार, इनोवेशन तथा इन्वेस्टमेंट के भरपूर अवसर उपलब्ध हैं। भावना के स्तर पर आप सब भारत से जुड़े हुए हैं। मैं ये आशा करता हूँ कि अपनी मातृभूमि के लिए प्रेम की इस भावना के साथ साथ आप सब भारत के विकास के लिए जो कुछ भी कर सकते हैं अवश्य करेंगे। भारत के विकास से जुड़ने के आपके सभी प्रयासों का हम स्वागत करेंगे। कृषि,
फूड एंड डेयरी एक टेक्नोलॉजी तथा शिपिंग के क्षेत्रों में ग्रीस काफी आगे रहा। ग्रीक कंपनियां भारत में सक्रिय रही हैं। मुझे ये जानकर खुशी हुई है कि भारतीय व्यापारियों और कंपनियों ने भी ग्रीस में कारोबार स्थापित करना शुरू कर दिया है, जिससे ग्रीस में रोजगार के अवसर पैदा हो रहे हैं। यहाँ पर मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगा कि हमारे जो डेलीगेशन आया है, हम लोग संभवतः कल डे आफ्टर टुमारो परसों हम एक बिजनेस लेवल जो बिजनेस डेलीगेशन आया है इंडिया से, और यहाँ का डेलीगेशन होगा, उन सबके साथ एक हमारे इंटरेक्शन होगा। हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर, सप्लाई चेन, ऊर्जा, हैंडीक्राफ्ट्स, आधुनिक मैन्युफैक्चरिंग तथा सर्विसेज के क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर विस्तार और सुधार कर रहे हैं। इन सभी क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच मिलकर काम करने की अपार संभावनाएं मौजूद हैं। ग्रीस के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से कल मेरी मुलाकात होगी। उनसे बातचीत के दौरान भारत और ग्रीस के बीच आर्थिक, सांस्कृतिक और पीपल टू पीपल रिलेशंस को बेहतर बनाने के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। इन रिश्तों को बेहतर बनाने में सरकार के अलावा आप सबकी भी अहम भूमिका है। ग्रीस में भारत के एक राजदूत हैं, जो मैडम बैठी हुई आपके बीच में, लेकिन मैं मानता हूं कि आप सभी भारतीय यहां ग्रीस में भारत के कल्चरल एम्बेसडर्स हैं, और जितनी भूमिका सरकारी तौर पर इनकी है उससे कम भूमिका आपकी नहीं है। और मैं तो ये कहूंगा कि ये अपने ऑफिस में बैठ करके इंडिया की बात करती हैं, लेकिन आप तो ग्रीस में घूम घूम करके जो है वो इंडिया की बात करते हैं। इसलिए You are as equal as the official ambassador. मेरी आपसे इसलिए अपेक्षा है कि आप इसके लिए अपना भरपूर योगदान करते रहें। भारत और ग्रीस के बीच निवेश और व्यापार बढ़ाने की काफी गुंजाइश है। आपसी साझेदारी से दोनों देशों को बहुत फायदा होगा। दोनों देशों के आर्थिक संबंधों को और अधिक मजबूत बनाने में आप सबकी अहम भूमिका है। भारत में भारतीय मूल के लोगों के प्रवास को आसान बनाने के लिए हमने OCI कार्ड शुरू किए हैं। मुझे ये जानकर खुशी हुई कि यहाँ उपस्थित आप में से बहुत से लोगों ने OCI सुविधा का लाभ उठाया है। मैं चाहता हूँ कि भारतीय मूल के बाकी लोग भी इस सुविधा का लाभ उठाएं। हाल के वर्षों में हमारी सरकार ने बाहर रहने वाले भारतीय लोगों के लिए अनेक सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं। आज हमारे दूतावासों में 24 घंटे हेल्पलाइन की सुविधा उपलब्ध है। कोई भी भारतीय कहीं भी किसी भी परेशानी में होता है तो दूतावास की टीम उनके संपर्क करते ही सहायता के लिए तैयार रहती है। सोशल मीडिया के जरिए हमारी सरकार ने संकट में पड़े भारतीय लोगों तक न केवल अपनी प्रभावी पहुंच बनाई बल्कि उनकी मदद भी की है। आज विश्व के किसी भी कोने में बसे सभी भारतीयों को ये भरोसा होने लगा है कि वे कहीं भी संकट में होंगे तो उनकी सरकार उन्हें सुरक्षित निकालकर स्वदेश वापस ले जाएगी। वर्ष 2014 के बाद से विदेश में संकट में फंसे 90,000 से अधिक भारतीयों को वापस लाया गया है। हमने भारतवासियों को ही नहीं बल्कि लगभग 50 अन्य देशों के नागरिकों को भी संकट की स्थिति से बाहर निकाला है। यह पूरी दुनिया को एक ही परिवार समझने के हमारा जो सिद्धांत है, वसुधैव कुटुंबकम, उसका जो आदर्श है उसको बखूबी दर्शाता है। हमने अपने प्रवासी समुदाय के लिए नई दिल्ली में एक प्रवासी भारतीय केंद्र की स्थापना की है। यह एक रिसोर्स सेंटर के रूप में काम करता है। जब भी आप भारत आए उस सेंटर में जरूर जाएं। प्रवासी समुदाय के युवाओं को भारत से परिचित कराने के लिए भारत सरकार द्वारा किया गया नो इंडिया प्रोग्राम अब वरिष्ठ प्रवासियों के लिए भी उपलब्ध है। मैं चाहूंगा कि आप सभी इस प्रोग्राम से जुड़ें
और भारत के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करें। वर्ष 2019 में प्रवासी भारतीय समारोह 21 से 23 जनवरी के बीच वाराणसी में आयोजित किया जाएगा। मैं चाहूंगा कि आप सब उस समारोह में उत्साह के साथ शामिल हों। उस समारोह के बाद नई दिल्ली में 26 जनवरी की गणतंत्र दिवस की परेड को देखने का भी आप सबको अवसर मिलेगा। उसके लिए भी मैं आप सबको आमंत्रित करता हूँ। आप सब यहाँ आए और मेरा इतना भावपूर्ण स्वागत किया, इसके लिए मैं एक बार फिर आप सभी को धन्यवाद देता हूँ और आपके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ। धन्यवाद। जय।